बताइए। हम कोचिंग सेंटर जा रहे थे, कहाँ पे? अल्फा में पहला दिन हमारा था। हाँ? तो जैसे हम मतलब अपने गली में हले, वहाँ पे जो है एक आदमी आया। कौन सी गली थी? अल्फा सेंटर वाला। कहाँ पे? अकबरपुर, यही अप्रैल होटल के पास। हाँ, ठीक है। और एक आदमी आया, करीब 30-40 के उम्र में वही था, वो 35 के, और हमसे बोला कि दीदी हमको योगा सेंटर बता दीजिए, यहाँ योगा होता है। हमने बोला कि योगा हम नहीं जानते कहाँ पे होता है। बोला कि एक मिनट सुन लीजिए। तो हमने खड़ा मतलब वहीं से खड़ी हो गई हाँ, और बोले कि मतलब वो बोला कि कविता नाम से यहाँ कोई चलता है। हमने कहा कि हम पहली बार यहाँ पे आए भैया, हमको नहीं पता है। तो वो जो है हम कहा कि हम आपको दीदी का बोल रहे हैं, आप हमारी बहन समान है, हम भाई समान है, आप एक मिनट हमसे हमको समय दीजिए, हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो हमसे बात यही कर रहा था कि मतलब आपके दो बच्चे हैं। हमने बोला हाँ। तो कहा कि मतलब आप बहुत परेशानी में हैं, ये वो। हमने कहा कि जब लंबा फैमिली सबका हो या छोटा हो, सब परेशानी में रहता है, कोई ना कोई परेशानी सबको होता है। उसके बाद वो जो है कहता है कि आप BDC हैं, जीती हैं। हमने कहा हाँ, जो बात सही है भैया, हमने बोल दिया हाँ। इसके बाद बोला कि जो है, हमने कहा कि हमको देखिए देर हो रहा है, जा रहे हैं कोचिंग के लिए। कहता मोबाइल एक मिनट अपना रख दीजिए पर्स में। हमने मोबाइल पर्स में डाल दिया, कहा हमारी बात सुन लीजिए तब जाइए, समय मतलब बहुत कीमती होता है, हमारे पास सुन लीजिए। तो हमने बोला कि भाई सुन ले, हो सकता है कुछ कहना चाह रहा हो। तो वो बोला कि मतलब आप गले का मतलब वो उतरवाया हमसे, कान का और गले का चैन था, सब उतरवा के पर्स में डलवा दिया। कैसे आप उतार दिए इसे? अब पता नहीं हमको क्या कैसे हो गया। हम उस समय वो बोला, हमने उतार के डाल दी। इसके बाद हमसे बोला कि एक लोग और था साथ में, तो उससे कहा कि मतलब पर्स इनको दे दीजिए। हमने उसके हाथ में थमा दिया। इसके बाद हमसे बोला कि दो कदम मतलब ऐसे चलो। हमने दो कदम चला, इसके जैसे पीछे हुए हम, जैसे लेके दोनों भाग गए। और हमने ये भी नहीं जाना कि मतलब वो लोग बाइक से आए थे, वो हमको पैदल मिला। बाइक से गया। कलर हम नहीं जान पाए, जब हमने देखा ही नहीं कि कैसे बता दे बाइक का कलर।